फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज के साथ। राजवी सिसोदिया ने एजाज खान से फेस टू फेस मिलने के बाद फर्स्ट टाइम रिएक्ट किया है। एजाज खान ने राजवी सिसोदिया कल मुंबई में फेस टू फेस मिल लिए थे एंड इसका वीडियो मैंने आपको कल दिखा दिया था। बट इसके बाद क्या हुआ, एजाज खान की साइड से एक वीडियो शेयर किया गया था जिसके बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है। पर आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि एजाज खान एंड राजवी सिसोदिया के बीच में बहस चल रही है, कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई, एंड वहाँ पर पुलिस आती है जिसके बाद इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है एंड ये मैटर सॉल्व हो जाता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस आ गई थी, सो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए राजवीर ये स्टोरी शेयर करते हैं, वर्दी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है हर बार। एंड इसकी नेक्स्ट स्टोरी में राजवीर ने ये कहा, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी की साइड से सबसे पहले आवाज उठाई और अकेला ही खत्म करके मिल के आया। एंड अगर आपको पता हो कि राजवीर सिसोदिया की पहले भी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है, वहाँ पर भी पुलिस की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो ही जाती है। सो अब इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद लोग राजवीर सिसोदिया से यही पूछ रहे थे कि वहाँ पर क्या हुआ। सो राजवीर सिसोदिया ने रिएक्ट करते हुए बताया कि वहाँ पर हुआ क्या था, आप देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। कल जैसे कहते पुलिस टाइम पे नहीं आती, पुलिस टाइम मेरे केस में तो हमेशा पुलिस टाइम पे आ जाती है। तो कल पुलिस ने आके भाई थोड़ा बहुत मिला के बिठा के बहुत देर, मतलब आधे भाई कह रहे भैया हुआ क्या अपडेट दो। भाई इतनी देर भसड़ चली, जैसे वो उतरा गाड़ी में से गले लगा मेरे, उसके बाद भाई इतनी देर ड्रामा चलाया आप सोच नहीं सकते। उसके बाद पुलिस को आना पड़ा, पुलिस को आके कॉम्प्रोमाइज करवाना पड़ा, वही और जैसे मैं भाई बोलता हूँ और बोला है कि बाल उखाड़ना छोड़ो, कोई छू भी नहीं पाएगा ऐसे, वही हुआ। ठीक है, दूसरे स्टेट में चले गए, दूसरे शहर में चले गए, चीजें बिल्कुल सब नॉर्मल है, ओके रिपोर्टिंग। सो क्या एलविश यादव ने फुकरा इंसान की टीम बैंगलोर बैशर्स एंड मुनावर फारूकी की टीम मुंबई डिसरप्टर्स को ट्रोल किया। तो जैसे कि आपको पता है कि ईसीएल का फिनाले एलविश यादव की टीम यानी कि हरियाणवी हंटर्स और अनुराग द्विवेदी की टीम लखनऊ लायंस के बीच में था, एंड इस मैच को एलविश यादव की टीम ने जीत लिया है एंड इसी के साथ वो बन चुके हैं ईसीएल 2024 के विनर। सो मैं आपको इस मैच के कुछ हाईलाइट्स बता देती हूँ। सो एलविश यादव की टीम ने काफी अच्छी बॉलिंग की एंड उन्होंने अनुराग द्विवेदी की टीम लखनऊ लायंस की बैटिंग को डोमिनेट किया एंड कैप्टन अनुराग द्विवेदी 10 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। एंड जब एलविश यादव की टीम बैटिंग करने आई, सो एलविश यादव ने भी काफी अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 5 सिक्स हिट किए जिसके बाद वो आउट हो गए, जिस पर रिएक्ट करते हुए एलविश यादव ने ये फोटो शेयर किए थे। सो मैं आपको वो विनिंग मोमेंट दिखा देती हूँ, आप देखिए। और अनिल हैंडओवर करते हुए इस ट्रॉफी को एलविश यादव को, हरियाणवी हंटर्स द विनर्स ऑफ विजन 11 एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग सीजन 1। सो इस मैच के बाद एलविश यादव मीडिया इंटरेक्शन में फुकरा इंसान की टीम बैंगलोर बैशर्स एंड मुनावर फारूकी की टीम मुंबई डिसरप्टर्स को लेकर उन्हें ट्रोल करते हुए क्या कहते हैं, आप देखिए। ईसीएल से रिलेटेड बात नहीं हुई है, बाकी बैंगलोर की टीम भी बहुत अच्छी थी भाई, और पोजीशन इस बार थोड़ी उनकी काफी नीचे आ गई एज ऑलवेज, बट इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ है बैंगलोर के लिए भी। ये भी भाई मुंबई वाले आज लखनऊ को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, हरियाणवी हंटर्स को उतना सपोर्ट नहीं दे रहे थे, तो उसके लिए क्या वजह? भाई मुंबई में भी अपने भाई हैं, सुयश राय मेरे बहुत खास भाई हैं, और भी काफ़ी लोग हैं जो मेरे बहुत क्लोज हैं, बट किसी को सपोर्ट करने से ना करने से मुझे ऐसा लगता कि फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये मेहनत है हमारी और लोगों की ब्लेसिंग्स है जिसकी वजह से हम लोग जीते। तो एक टीम अगर हमें नहीं करेगी सपोर्ट, इट्स ओके भाई, फ़र्क पड़ा कुछ, देखो जीत गए ना। फिर भी कोई लकी मोमेंट शेयर करना चाहे जिससे आपको लग रहा था कि आज हम ही जीतेंगे? पूरा मैच ही लकी था भाई। मैंने आज छक्के मारे, मैंने आपको देख के ही मारे। तो आपका जैसे मुझे दिखा मैं कहा यार छक्के मारने। एंड ऑफ कोर्स फिनाले था तो उसकी लाइव वॉचिंग भी काफी ज्यादा गई है, अप्रोक्सीमेटली 500K प्लस की हाईएस्ट पीक वॉचिंग रिकॉर्ड की गई। बाकी आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। पुनीत के बारे में जिनका यूट्यूबर्स को लेकर एक मैसेज है, अबे ओ टू यूट्यूबर हो, ये वीडियो मैं खासकर यूट्यूब वालों के लिए और ब्रांड वालों के लिए डाल रहा हूँ कि मैंने अपने कुछ रूल्स चेंज कर दिए हैं, अगर मुझे बुलाना हो अपने पास तो भाई अब मैं नॉर्मल फ्लाइट में नहीं आऊंगा, मैं लूंगा बिजनेस क्लास आने जाने का फ्लाइट का, और मेरा घर से जो कैब का खर्चा आएगा वो लूंगा प्रॉपर, और 5-star होटल, मिनिमम 5-star होटल में रहूंगा। अगर तुम्हारे पास इंतजाम हो बिजनेस क्लास का और 5-star होटल का तो भाई मेरे को मैसेज करना, मेल वेल करना, डीएम करना, वरना सालों तुम्हारे इतने जूते मारूंगा अगर फालतू में मैसेज कराना, तो ध्यान रखना क्योंकि मैंने अपने रूल चेंज कर दिए हैं, अब मैं बिजनेस क्लास से कम में नहीं आऊंगा जाऊंगा, ना मैं 5-star होटल के बिना किसी और में रहूंगा। शुक्रिया भाई, तो ये वीडियो खासकर यूट्यूबरों को सेंड कर देना जो लोग मुझे बुलाते हैं। बाकी यार इस पूरी वीडियो पर आपका कोई ओपिनियन हो तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि आप अपडेटेड रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।